और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। कल ही अपना पदभार संभाला है, थल सेना अध्यक्ष बने हैं जनरल सुहाग और आज वो अमर जवान ज्योति पर पहुंचे हुए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने, शहीदों को नमन करने के लिए। थल सेना अध्यक्ष रहे जनरल विक्रम सिंह का कार्यकाल कल खत्म हुआ और उसके बाद एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है जनरल सुहाग को। अमर जवान ज्योति पर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अपना कार्यकाल समाप्त होने के वक्त जनरल विक्रम सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों को। और आज अपना पदभार संभालने के बाद जनरल दलबीर सुहाग भी पहुंचे हुए हैं अमर जवान ज्योति शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जनरल सुहाग यहाँ पर पहुँचे अमर जवान ज्योति पर, यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और मोमेंटम होता है इस पर एक प्रोटोकॉल भी होता है ये कि जो भी थल सेना अध्यक्ष होता है वो यहाँ पर आता है, इस तरह से अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं और ये मोमेंटम होता है एक, इस पर अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। और ये प्रक्रिया उस वक्त भी होती है जब कोई थल सेना अध्यक्ष अपना कार्यकाल खत्म करता है। जनरल विक्रम सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे अमर जवान ज्योति, यहाँ पर शहीदों को उन्होंने भी नमन किया था, उनकी शहादत को याद किया था। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पदभार संभाला विक्रम सिंह, जनरल विक्रम सिंह ने ये जिम्मेदारी जनरल सुहाग को सौंपी थी और उसके बाद अपने पदभार संभालने के बाद आज पहले दिन अमर जवान ज्योति पहुंचे सेनाध्यक्ष जनरल सुहाग और यहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया, उन्हें याद किया।